पहली गेंद, गेंदबाज तैयार, पहली गेंद डॉट गेंद, मुकुल की पहली गेंद डॉट गेंद के साथ विकेट का पतन। खंडू भाई ने अपना विकेट गवाया है और पहली गेंद पर अच्छा प्रदर्शन, यही प्रदर्शन होना चाहिए था। खुश हो गए उनके कोच अमरसन। पहली गेंद पर विकेट का पतन, बहुत ही मजा आया, लेकिन पिछला मुकाबला एक तरफा रहा है। खाने के बाद कीपर के हाथों में, लाजवाब अच्छी गेंदबाजी। बिल्कुल सुनील सब्बा वहां मौजूद, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे परम मित्र, बहुत चाहते हैं हमें ये है अमरसन है, प्रज्ञेश है, सुहिल भाई है, और भी बहुत कुछ साथी, शुभम वगैरह। अगली गेंद, और इस बार कदमों के सहारे से इस गेंद को खेलना चाहते थे, आसानी से एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ दो रन। मुकुल, थोड़ी सी इंजरी थी उनकी पैरों में, बीच में एक मैच गवाया था, अच्छे गेंदबाज है। जहां प्रज्ञेश की बात करूं तो ज्यादातर उनका बल्ला बोला नहीं है, लेकिन यहाँ चाचा मौजूद, अच्छी गेंद और यहाँ रन चुरा लिया है। भरत भाई चाचा के नाम से फेमस, बता रहे थे इससे पहले वाली मैच में के हेमंग और केवल दोनों को बल्ला पकड़ना सिखाया है इन्होंने, भरत भाई ने, चाहिए दलवाड़ा ये ग्रुप के खिलाड़ियों के, भरत भाई, और अभी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं। और इस बार फाइनल लेग की दिशा में खेली गई शॉट, आसानी से एक रन मिलेगा, एक ही रन से संतोष करना होगा। लगातार दो बार कड़ा थ्रो मारा गया लेकिन सही निशाने पे जाके लगा नहीं। और जहां तक बात करूं फैंसी इलेवन की, तो उनके ऑनर बहुत खुश होंगे क्योंकि फैंसी कप हो और फैंसी इलेवन बिल्कुल ऊपर पायदान पे हो तो फिर क्या ही कहना, ऑनर की खुशी का कोई हाल ना होगा क्योंकि बहुत ही खुशहाल होंगे वो आज, उनकी टीम। जहां तक बात की जीतू भाई को थोड़ी चोट लगी, ये देखो टीम कितनी खुशखुशाल नजर आ रही है, हेमंत को देख सकते हैं आप, संकेत को देख सकते हैं, साथ में उनके साथ ही पार्टनरों को देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही खुश क्योंकि इनकी टीम पहले नंबर पे विराजमान है। पहला मैच खेला था उसमें सेंचुरी जड़ा था, आखिरी मुकाबला खेला उसमें भी सेंचुरी जड़ा, बहुत ही लाजवाब। ओवर की समाप्ति हुई है, एक ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर चार रन एक विकेट के नुकसान पर। ये मैच जो हो जा रहा है वो अपने आप का पायदान, अपने आप का जो ग्रुप स्टेज नंबर वो सुधारने के लिए इंगराज माता और तंडे लीलोन के बीच। मुकाबला यहाँ देखो, अब हिंगराज माता तो एक दो मुकाबले जीती है शायद, और इस बार ऊपरी किनारा, गेंद जाएगी सीमा रेखा के करीब, देखना होगा, अच्छी दौड़ लगाई थी लेकिन गेंद और बैट्स फील्डर की दौड़ में गेंद जीत चुकी है और चौका बटोरा है। जहाँ तक बात बता दूँ, लोगों का पूछना है कि इसमें इस मैच को खिला के फायदा क्या है, तो मैं बता दूँ इस दोनों मैच का बहुत बड़ा फायदा है। अगर तंडेल इलेवन यहाँ बड़े मार्जिन से जीतती है तो अगले साल उनको क्वालिफाई राउंड खेलना नहीं होगा, और वहीं अगर दोड़ी हारती है तो तंडेल इलेवन क्वालिफाई नहीं खेलेगी, लेकिन अगर तंडेल इलेवन हारती है तो फिर इनको अगले साल क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा।
चाचा मौजूद यहाँ, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, टेढ़े बल्ले से सीधे तरीके से घी निकालना जानते हैं। और इस बार घी निकाल दिया है और बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में हमें निशाना बनाते हुए चौका बटोरा है। इस चार से डबल अंकों में फुल से एक बार स्कूप शॉट खेला है, एक और चौका यहां पे आता हुआ। बैक टू बैक देखो यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्टाइल के साथ फिर से लगातार तीसरा चौका मारने का यहाँ पे प्रयास किया था बल्लेबाज ने, सफल नहीं हुए, कामयाब नहीं हो पाए। और इसी के साथ देखो डॉट बॉल के साथ अगली बॉल करने के लिए गेंदबाज तैयार है। सोहिल बॉय यहाँ पे मौका मिला है, गेंद जा रही है दर्शक में और क्या ये दर्शक। ओवर में चार बने थे जहां दूसरी ओवर में 18 रन बने, तो दो ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे हिंगलाज माता 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बना लिए हैं। तो दो ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन टीम का स्कोर है 11 की औसत के साथ, एक विकेट के नुकसान पर बना लिए है। इस बार का वेल कनेक्टेड शॉट, रिवर्स स्वीप मारा है, फिर भी चौका तो नहीं मिलेगा लेकिन एक रन यहां पे जरूर मिलेगा। एक रनों के साथ टीम के स्कोर की बढ़ोतरी, यहां पे आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। धीमा खेला है, फील्डर काफी डीप में है लेकिन तैयार नहीं है कि दूसरे रन के लिए पहले से ही तैयारी नहीं करी थी, और जब पहले से तैयारी अगर नहीं करते हैं तो मौका नहीं मिलता है। फील्डर काफी तेजी से गेंद के ऊपर गए जरूर थे और उन्होंने देखा कि ये फील्डर काफी कड़क है तो फिर अपने को ज्यादा तेजी से जाना नहीं है। हल्के से पुश किया था, जेंटल पुश किया था, एक रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन इसी एक के साथ। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 25 रन टीम का स्कोर।
इस बार वाइट, इस बार दिशा से भटके वाइट बॉल। खड़क शॉट है लेकिन सीधा फील्डर के सामने, यहाँ पे खेला हुआ स्ट्रोक, एक ही मिलेगा, एक के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। स्वीप पाने का प्रयास यहाँ पे किया था और इसी के साथ ये आउट, क्लीन बोल्ड यहाँ पे, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड। जीतू भाई आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और यहां से जीतू भाई ने आते ही खेल दिया है मिड विकेट के फील्डर के पास, एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। तो 28 रन तीन ओवर की समाप्ति के बाद 9 से अधिक रन के साथ बल्लेबाजी करते हुए हिंगलाज माता 1195, जिसमें बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई, 10 गेंदों में 22 रन मारे हैं, 3 चौके 1 छक्के के सहायता से भरत पटेल ने, और जीतू पटेल ने 1 गेंदों में 1 रन बनाया है। तो ये जो है बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पे भरत भाई के द्वारा, और जिसकी बदौलत यहाँ पे 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर में 28 रन बना लिए हैं। चेतन भाई ने 1 ओवर करा है और 1 ओवर में 1 विकेट चटका लिया है, 6 रन खर्च किए हैं। वहां सामने सोहिल भाई ने 1 ओवर में 18 रन खर्च किए। बिल्कुल अटकाने का कोशिश यहाँ पे, रन आउट का मौका, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज ने कहा कि भाई फिर से चले जाओ अपने क्रीज में। देखो कमाल का समय के साथ समय सूचकता वापरी ने पाछा मुकलाव्या अने जेनु कारण पिच पर वो अभी भी बने रहे। 28 के साथ स्कोर अभी आगे बढ़ता हुआ 29 पे पहुंचता हुआ, और इस बार ही वसीफ पाने का प्रयास किया है। अच्छा अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है,
एक रन के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया है। रिवर्सी 12 है और ये मौका है कैच का, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे थोड़े से लेट हो गया, अगर ये डाइव मार लेते जैसे कि आर्यन भाई ने जो किया था वैसे कामगिरी अगर करने जाते तो शायद ये कैच हो सकता था। और यहाँ पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फील्डिंग काफ़ी अच्छी, यहाँ पे 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर में। चौथे ओवर में 32 रन, सेवा दल तैयार रहे भाई अपने सेवा दल। दूर से ये गेंद करी थी, ये गेंद काफी दूर से करी थी। यहाँ पे बल्लेबाज गेंद की लंबाई तक पहुंचने का यहाँ पे कोशिश कर रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। फिलहाल 32 पे 2। रुको रुको, अच्छी बॉल, अच्छी बॉल। यहाँ पे रिवर्स ही मारा है, 1 रन के निकल पड़े, रन आउट के लिए खतरा है। जाइए जाइए। और ये 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन है। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 24 में 12 गेंदों में 24 रन मारे हैं भरत भाई ने, जिनमें 3 चौके और 1 छक्के की बल्लेबाजी। और सामने जीतू भाई जिन्होंने 5 गेंदों में 4 रन बनाए हैं। डीजे वाले भाई मेहुल भाई बगाड़ जो, जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुकी। थ्री रन अब अगली 4 ओवर यानी कि 36 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं ये आने वाला पल बताएगा। तो नए ओवर की पहली बॉल पे कोई रन नहीं बनेगा, डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहाँ पे होती हुई। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पे, और इस बार 1 रन मिलने वाला है, दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि कड़ी धूप यहाँ पे मैदान पर, कड़ी धूप यहाँ पे देखने को मिल रही है और जिसके बदले भी थोड़ी थकान यहाँ पे
खिलाड़ियों पे हो जाती है। बल्लेबाज वहाँ पे खेल करके दौड़ना है, फील्डर को दौड़ना है, ये सारी बातों में थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ होता जरूर है। काफ़ी धूप है यहाँ पे। ये बड़ा हिट मारने का इस बार प्रयास किया है और ये आउट भी हो सकती है और इसी के साथ ही आउट। नए बल्लेबाज अभी अभी चौंतीस रन है 3 विकेट के नुकसान पर। मयंक भाई आते ही उठा के मारना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए बल्ले पे ठीक से। एक रन यहां पे जरूर आएगा। एक के साथ लेग भाई के रूप में ये अंपायर का इशारा आता हुआ, लेग भाई के रूप में ये रन बना है और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 35 रन। पैंतीस रन है 3 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर करने का प्रयास किया था यहाँ पे लेकिन स्टंप को हवा देती हुई चली गई। पैंतीस रन अभी स्कोर रुका हुआ 35 रन टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर समाप्त हो चुके। पांच ओवर की समाप्ति के बाद एग्जैक्टली 7 की औसत से 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हिंगलाज माता 1195 पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। देखना है कि अभी 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं, ये आने वाला पल बताएगा। और यहाँ पे देखो बल्ले ने बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने एक आसान सा कैच यहाँ पे लिया और इसी के और इस बार आते ही नए बल्लेबाज ने सुंदर आकर्षक स्ट्रोक खेला है। झील भाई आकर्षक स्ट्रोक खेला है। 35 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 4 विकेट के नुकसान पर 6ठे ओवर में। संदीप भाई
सामने की ओर से बड़ा हिट मारने का प्रयास जरूर किया था, थोड़े से चूक गए। यहाँ पे एक ही रन मिलेगा, एक से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर सातवें ओवर में। बता दूं यहाँ पे देखो, जीतू भाई जिन्होंने 9 गेंदों में 5 रन बनाए हैं, जील भाई जिन्होंने एक बॉल पे एक रन बनाया है, अब वो स्ट्राइक पर है। देखना है कि जील भाई कल तो बहुत ही अच्छा खेले थे, अभी आज क्या कर पाते हैं आने वाला पल बताएगा। इस बार अच्छी बल्लेबाजी फिर से एक बार। सैंतीस पे 4 टीम का स्कोर है, 39 पे 4 अपडेटेड। ये उठा के मारने का प्रयास किया है, क्या गेंदबाज अपने ही फॉलो थ्रू में कैच कर पाएंगे या नहीं। कोशिश एक कामयाबी हमेशा दिलाती है, इसी प्रकार से यहाँ पे गेंदबाज ने कोशिश करी और ये कामयाब यहाँ पे होते हुए, और इसी के साथ ये लगने वाला एक और झटका यहाँ पे। हिंगलाज माता 11 को यहाँ पे झटका लगा है, विकेट गिरी है और आउट हो गए हैं बल्लेबाज। नए बल्लेबाज केतन आया है बल्लेबाजी करने के लिए। सुंदर कड़क गेंद, तेज गेंद करी, नए बल्लेबाज केतन आया है डॉट बॉल के साथ। यहाँ पे ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर यहाँ पे जा पहुंचता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जिनमें अभी केतन भाई को खाता खोलना बाकी है। जीतू भाई 10 गेंदों में 6 रन बनाकर खेलते हुए, अब ये पहला मुकाबला यहाँ पे होता हुआ, मतलब आज पहली इनिंग पारी चलती हुई, देखना है कि कितने रन बना पाएंगे। बाकी के 12 गेंदे बची है, क्या ये 50 हिंगलाज माता 11 कर पाएगी या नहीं, आने वाला पल बताएगा। नेवर की पहली बॉल यहाँ पे सामने की ओर, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था लेकिन यहाँ पे कोई रन नहीं मिलेगा। उनतालीस पे रुका हुआ मुकुल भाई, और इसी के साथ विकेट, मुकुल भाई ने विकेट हासिल कर लिया, ये दूसरा ये 5वां विकेट यहां पे।
और ये उठा के मारने का प्रयास जरूर किया, लेकिन दो बाउंस सीधे वाइड स्लॉगन के फील्डर के पास जाता हुआ, जब तक कि थ्रो आए यहाँ पे एक और रन का यहाँ पे अंदाज जरूर लगाया था। 6 विकेट के नुकसान पर 40 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मुकुल भाई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए हैं, सिर्फ 5 ही रन खर्च किया, जबकि ये दूसरा ओवर चलता हुआ। इस बार जगह बना करके उठाया है, जगह बना करके उठा रहा है, दर्शक भी जा रही है, दर्शक क्या फैंसी वॉच के हकदार हो सकते हैं क्या कैच करके, लेकिन जी नहीं, गेंद किसी के पाले में नहीं आई, पाले में आई तो बल्लेबाज के, और इसी के साथ 6 के साथ फिर से अच्छा शॉट, अच्छा मारा है, बड़ा अच्छा मारा है यहाँ पे, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47, 6 विकेट के नुकसान पर। 7वें विकेट के लिए देखो अच्छी साझेदारी होने जा रही है, स्कोर यहाँ पे 50 की ओर आगे बढ़ता हुआ। इसके बाद 1 ही ओवर रह जाएगा, तो जितने भी ज़्यादा रन बनाएंगे जीत के लिए। काम में आने वाले हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो 7 ओवर यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 47 रन, 7 ओवर पूरे हो चुके हैं, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 47 रन है हिंगलाज माता। और मैं जाहिर कर दूं यहाँ पे, डिक्लेयर करता हूँ कि अगला मुकाबला आज के दिन का जो कि 6ठा मुकाबला है, धोड़ी 11 के कप्तान और उत्तर भारतीय टीम के कप्तान दोनों टॉस के लिए तैयार रहे। जैसे ही 8 ओवर पूरे होते हैं आपका टॉस यहाँ पे होगा, देखना है कि टॉस का बॉस ए ग्रुप का दे आखिरी मुकाबला यहाँ पे होगा, ए ग्रुप का आखिरी मुकाबला होगा, टॉस का बॉस कौन होगा ये आने वाला पल बताएगा। व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत यहां पे होती हुई, इस बार धीरे से खेला था 1 रन के लिए और ये दूसरे रन के लिए निकले हैं। क्या ये दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे दूसरा रन भी पूरा होता हुआ और इसी के साथ 50-50 अब इंग्लैंड माता 11 ने 50 रन पूरे कर लिए, पहला माइलस्टोन हासिल कर दिया है। 50 अब एक अच्छा शॉट फिर से एक बार, जहां पे आसपास कोई फील्डर नहीं दिख रहा है। 1 के लिए निकले हैं, दूसरे के लिए भी वापस लौटे हैं और दूसरा भी जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन जब तक कि बॉल विकेट कीपर एंड पर आती तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन के लिए जा चुके थे। 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 52 रन। एक और शानदार हिट और शानदार रन यहाँ पे फिर से लगातार फिर से दूसरा रन यहाँ पे हासिल करते हुए 54 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। देखना है ये
ये देखो यहाँ पे मौका है एक हाथ से कैच करने का विकेट कीपर के लिए, कैच छूटा और रन पाया वहां पे। 55 टीम का स्कोर, 55, 6 विकेट के नुकसान पर, 6 विकेट के नुकसान पर 55 रन। अच्छा, सुंदर कवर ड्राइव, सुंदर कवर ड्राइव, यहाँ पे एक रन के लिए निकले हैं, दूसरे रन के लिए बाहर निकले हैं, बीच में अट के रुक गए, और रुक गए तो मतलब आप रन आउट, क्योंकि टाइम ही नहीं था आपके पास। ये आखिरी ओवर चलता हुआ यहाँ पे 7वां विकेट, 56 पे 7, और ये क्या ये आखिरी बॉल है, और आखिरी बॉल पे छक्के के साथ खत्म करेंगे। ये मारा था यहाँ पे बाउंसर, और जिसके पर ही कोई रन नहीं यहाँ पे, गेंदबाज ने देखो 5, 6, 7, 56 पे 7 और 58 रनों का लक्ष्यांक यहाँ पे दिया है हिंगलाज माता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चंडेल 11 को। और इस बीच में बता दूं 56 रन बना लिए हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर, और 57 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए, 57 रन। उत्तर भारतीय के कप्तान और धोनी रेयों के कप्तान से विनंती है कि टॉस की कार्यवाही के लिए आ जावे। आज के ग्रुप ए के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। अब कल से ग्रुप बी के मुकाबले शुरू होंगे, और मैं बता दूं कि ग्रुप स्टेज में ए ग्रुप में जो आखिरी पायदान पे 8वें नंबर पे रहेगा उसको अगले साल फैंसी कप में खेलने के लिए क्वालिफाई राउंड खेलना होगा, तो उसमें भी हरीफाई लगी है। क्या धोनी 11 अगला मैच जीतेगी, क्या चंडेल 11 ये स्कोर जल्दी से प्राप्त करके अपनी रन रेट सुधार के 7वें नंबर पर आएगी। अगर धोनी 11 जीत जाती है तो फिर नेट रन रेट के हिसाब से एक टीम आखिरी नंबर पर रहेगी, और वहीं जो टीम 16 टीमों में से चाहे वो चैंपियन बने, अगर उनका फेयर प्ले में 16वें नंबर पे नाम होगा तो उनको भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा। ग्रुप ई में जो टॉप पे टीम रही उसके लिए रियाज शेख इनाया के ऑनर की ओर से 2500 का नगद पुरस्कार दिया गया है, और ग्रुप बी में भी जो टीम टॉप पे रहेगी उसको रियाज भाई इनाया के ऑनर की ओर से 2500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तर भारतीय के कप्तान प्लीज आ जाए जल्दी से जल्द। शुभम और ध्रुव दोनों की प्रारंभिक जोड़ी, ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला यहां पे, और उसके लिए टॉस होता हुआ धोनी 11 और उत्तर भारतीय टीमों के बीच में, और फिलहाल यहां पे 57 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए टंडेल 11 को।
धोनी 11 ने टॉस जीत लिया है, जानना चाहूंगा क्या डिसाइड करेंगे और क्या चेंजेस है, आखिरी मैच है, किस तरीके से खेलेंगे आप? पहले बॉलिंग करना चाहेंगे क्योंकि हमारे टीम में एक दो चेंजेस तो जरूर है, बट ट्राई करेंगे कि कम से कम स्कोर में उत्तर भारतीयों को रोकने की। ओके थैंक यू, धन्यवाद। और मनीष भाई आप क्या करेंगे? पहले बल्लेबाजी करना है, आखिरी मुकाबला अली स्टेज का, थोड़ी सी आपके साथ कल के मैच में भी कुछ ऐसा देखा गया कामरी समाज के सामने, तो आज आखिरी मुकाबला आप किस तरीके से खेलेंगे? हम अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही लेते, और बैटिंग ही आया है, और ऐसे भी हमारा ये लास्ट मैच है, इस मैच हमें अच्छे से खेलेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। ओके थैंक यू, धन्यवाद दोनों को, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ धोनी 11 वन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। तो इस बीच नए ओवर की पहली बॉल यहाँ पे एक रन के साथ खाता खुलता हुआ, ध्रुव भाई ने और शुभम भाई ने यहाँ पे प्रारंभिक जोड़ी के रूप में पदार्पण किया है। तो ध्रुव भाई ने एक रन के साथ अपना खाता खोला है। अच्छी अच्छी शुरुआत, यहाँ पे कोई रन नहीं, भरत भाई जिनकी लाखों लोगों ने इंतजारी करी थी कि भरत भाई बॉलिंग के लिए आए, और भरत भाई छाए, बैटिंग में तो बहुत ही छाए थे, अब फिलहाल बॉलिंग करने के लिए आए हैं भरत भाई। और ये अच्छा शॉट इसके ऊपर मारा है, अगर थोड़ा सा जोर से मारते तो यहाँ पे कैच हो सकते हैं, और भी जोर से मारे तो ये छक्का हो सकता था। बिल्कुल, और जोर से मारते तो यहाँ पे दर्शक के लिए फैंसी वॉच मिलता, और बहुत जोर से मारते तो बाहर रोड पे चली जाती, लेकिन सारी संभावना के पार कुछ नहीं होता। और यहाँ पे फिर से बहुत ही सुंदर स्क्वायर कट मारा है, फील्डर के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, यहाँ पे एक ही मिलेगा और एक ही रन के साथ टीम का स्कोर को आगे बढ़ाया है। पहले ओवर में 3 रन जबकि 57 रनों की आवश्यकता है 8 ओवर में, उसके जवाब में पहली ओवर में यहाँ पे शुरुआत कर ली है टंडेल 11 ने 3 रन बना करके। और ये उठा के मारा है और यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा मौका था, कैच छूट गया, ये दिल से कैच करने का प्रयास जरूर किया था लेकिन इस बार हाथों से छूट गया, दिल ने तो चाहा था कि ये मैं कैच कर लूं लेकिन हाथों से ये छटका, मयंक भाई की कोशिश अच्छी थी। और अच्छी बॉल के साथ वापसी यहाँ पे, और एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन, एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन टीम का स्कोर है विदाउट लॉस। एक और टीम का स्कोर 4 रन है, एक और 4 रन टीम का स्कोर है। और यहां पे घूम करके मारा है स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल दाहिनी ओर से, 1 रन यहां पे मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 5 रन। इस बार हाफ वॉली बना के खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने का, देखो यहाँ पे फील्डर बहुत ही सुंदर प्रयास किया है,
और इसी के साथ हाँ भाई देखिए ना, देखिए ना, देखिए वहां पे फील्डर बहुत ही सुंदर फील्डिंग का वहां पे प्रदर्शन हुआ था, बिल्कुल वहां पे बाउंड्री रोकी थी और संदीप भाई ने जो कि रोका था, संदीप भाई ने बाउंड्री के पास बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग करी थी, रोका था और इसी एक रन के साथ टीम स्कोर का आगे बढ़ता हुआ फिर से इस बार उठा के मारा है, लेकिन यहां पे क्या आउट हो सकते हैं, जी हाँ ये बल्लेबाज आउट। आठ पे लगने वाला ये पहला झटका, फर्स्ट डाउन एच, पहली विकेट पड़े छे 1.4 ओवर पची 8/1। सनील टंडेला है नए बल्लेबाज, शुभम भाई जिन्होंने 5 गेंदों में 3 रन बनाए। और इसी के साथ ये देखो आउट, आउट पद बाघा करार कर लिए गए, लेग बिफोर विकेट, और इसी के साथ ये लगातार 8 पे लगने वाला जिन्होंने देखो हैट्रिक के लिए गेंदबाजी के लिए तैयार है, 8/2। सुंदर सुंदर यहां पे सुंदर हैट्रिक यहां पे चुके, हैट्रिक चुके, कप्तान ने फील्डिंग करी यहां पे जीतू भाई पटेल, 8/2 दो ओवर की समाप्ति के बाद, दो ओवर समाप्त हो चुके, दो ओवर की समाप्ति के बाद देखो गेंदबाज यहां पे हैट्रिक के लिए आ गए थे, एक ओवर में 4 रन खर्च किए और 2 विकेट चटका लिए, एक ओवर में 4 रन खर्च किए और 2 विकेट हासिल कर लिए, तो बहुत अच्छी उम्दा यहां पे
गेंदबाजी करी है कल्पेश भाई ने, सामने भरत भाई ने एक ओवर में 4 रन खर्च किए थे, कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी लेकिन अच्छी शुरुआत करी थी, लेकिन दूसरे ओवर में भी 4 रन बने हैं, कुल योग है 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन। अब तीसरा ओवर पड़ाव पर है, देखना है कि तीसरे ओवर में क्या होता है, आने वाला पल बताएगा। भरत भाई कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे, ये बड़ा हिट मारा है जिसके ऊपर मोहर लिखी है 4 रनों की, आते ही स्वागत, डबल अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ। इस बार अच्छा लिया, फिर से अच्छा लिया, फिर से कुछ रन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और ये दूसरा भी यहाँ पे हासिल होता हुआ रन, 18 रन तेजी से, 57 रनों की आवश्यकता है उसके जवाब में, यहाँ पे देखो 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार घुमा के बड़ा हिट यहाँ पे, इलेवन के पास नए नए बल्लेबाज है, युवा है, और इस बार फिर से खेला है, यहां पर भी शायद मिल सकता है या नहीं, जी नहीं मिलेगा, यहां पे अच्छा थ्रो आया अच्छी फील्डिंग के साथ, कप्तान का वहां पे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। तो टंडे इलेवन की बात करूं, जो उनके अनुभवी बल्लेबाज जो खिलाड़ी जो है कुछ लंदन में यहाँ पे काम की वजह से गए हुए हैं, जिसके लिए ये सारी युवा टीम है यहाँ पे, लेकिन युवा को भी मौका मिलेगा, वैसे ही वो आगे चले जाएंगे। अंपायर का इशारा आया वाइड का, वाइड के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी यहाँ पे, 24 रन टीम का होता हुआ। ये देखो बड़े संभाल करके खेला है, फिर से यहाँ पे दूसरे के लिए निकलेंगे, और ये दूसरा भी यहाँ पे पूरा होता हुआ, देखो क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए, और इसी के साथ यहाँ पे 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुँचता हुआ 26 रन। पिछली ओवर से 18 रन बने हैं, पहली में 4, दूसरी में 4 और तीसरी में
18 बने हैं, तो यानी कि बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिली है। 3 छक्के आए, 2 दुहेरी और 1 सिंगल, तो इसी के साथ 18 रन बनाए तीसरी ओवर में, तो 26 रन टीम का स्कोर है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर टंडेल 11। नए ओवर की पहली बॉल, नए ओवर की पहली बॉल धीरूभाई थे स्ट्राइक पे, कल्पेश भाई सामने की ओर से गेंदबाजी कर रहे, अपने कोटा का दूसरा ओवर लेकर के आया है। उन्होंने अब तक देखो 1.1 ओवर करी है, 4 रन सिर्फ दिए हैं और 2 बहुमूल्य विकेट छटकाए हैं यहाँ पे। और इसी के साथ देखो कैचिस की मांग है और कैचिस वेन मैचिस, देखो पिछले ओवर में देखो यहाँ पे संभाल करके बहुत बढ़िया खेला, पहले तो 2 चौके मार लिए, उसके बाद सिंगल डबल चौका, ये ऐसा करते हुए डबल के साथ 18 रन ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे छक्का मारने का प्रयास प्लेसमेंट नहीं था, सीधे फील्डर के हाथों में थमा बैठे और इस प्रकार से यहाँ पे विकेट गिरता हुआ। औसत काफ़ी अच्छी आ चुकी थी तीसरे ओवर से, लेकिन वहाँ पे चौथे ओवर ने थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है। अब तक 2 गेंदे हो चुकी है, कोई रन नहीं बना है और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ कल्पेश पटेल, ये तीसरा विकेट चटकाते हुए अपने दूसरे ओवर में, अपने कोटे के दूसरे ओवर में। जोरदार अपील हुई है यहाँ पे, जोरदार अपील हुई, इस बीच यहाँ पे 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े हैं, लेग बाई के रूप में 1 रन आता हुआ, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन, 27 रन। लेग साइड में पावरफुल स्ट्रोक मारने का प्रयास किया था यहाँ पे और इसी के साथ ये क्लीन बोल्ड यहाँ पे। चौथा ओवर यहाँ पे ड्रिंक्स लेके निकल जाओ, चलो चलेगा, विकेट गिरा है ना, फटाफट सेवा दल 2 बॉले बाकी है तो आप ड्रिंक्स लेके इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे सारे। तो 27 पे 4 यहाँ पे
टीम का स्कोर है चौथे ओवर में। सीधे बल्ले से यहां पे लिया है एक रन के लिए, लॉग ऑफ के फील्डर के पास खेला था और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। 25 गेंदे बची है, 29 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। बड़े अच्छे संभाल के साथ फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार डीपैक्स राघवर के फील्डर ने फील्ड किया और इसी के साथ मैं बता दूं यहाँ पे देखो कोटा यहाँ पे खत्म हो गया कल्पेश भाई का, जिन्होंने दो ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए और बड़े बड़े 4 विकेट यहाँ पे चटकाए। तो ये दो है कल्पेश भाई, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, एक विकेट अगर उनको मिल जाती तो विकेट का पंजा वो हासिल कर पाते हैं पाते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29-4 है। आने वाली 4 ओवर में अभी 28 रनों की आवश्यकता है। पहली 4 ओवर में 29 बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, आने वाली 4 ओवर में टंडेल 11 को जीत के लिए 24 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है। देखना है आने वाला पल बताएगा ये। उनतीस पे 4 है 4 ओवर की समाप्ति के बाद, और आने वाली 4 ओवरों में यानी कि 24 गेंदों में 28 रनों की जीत के लिए आवश्यकता है। खंडू भाई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 29 पे 4 है और 28 रनों की आवश्यकता है बची हुई गेंदों में। जितनी गेंदों में 29 बने उतने गेंदों में 28 की आवश्यकता है। और ये अच्छा शॉट यहाँ पे, अच्छी शुरुआत और उच्च शुरुआत के साथ 6 प्राप्त। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 35 रन। ये एक और बड़ा हिट, यहां पे जो दे जाएगा चौका। देखो यहां पे गर्मी आती हुई, 5वीं ओवर में यहां पे गर्मी आती हुई तेजी से बढ़ता हुआ 6-4 के साथ अच्छी शुरुआत 39 रन। 22 गेंदों में अब 18 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। एक और बड़ा हिट मारने का प्रयास कर रहा था, देखो फील्डर को यहां पे चकमा देती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। 43 रन टीम का। जिन्होंने 6 गेंदों को सामना किया लेकिन 2 चौके 1 छक्के की सहायता से
उन्होंने 15 रन बनाए, 8 मिनट यहाँ पे क्रीज पर रहे, लेकिन जाते जाते अपना काम बहुत ही बढ़िया कर गए। तो ये खंडू भाई ने विकेट चटकाया है, झील के हाथों जो है कैच भी कराया है, तो बहुत अच्छी यहाँ पे क्रिकेट देखने को मिलती है। नए बल्लेबाज प्रज्ञेश, अच्छी वापसी यहाँ पे गेंदबाज के, अच्छी वापसी यहाँ पे, पिछले ओवर में तो बहुत ज्यादा रन बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो खंडू भाई बिल्कुल बांधे रखे हुए है। विकेट ले लिया है, फिर डॉट करी है, तो दो बॉल में बांधा है। उसके पहले वो खुद छूट गए थे, और इस बार यहाँ पे ओवर ओवर। छग्गा, चौका, चौका, विकेट, और उसके बाद डॉट, दो दो डॉट। अठारह गेंदें बची है, 14 रनों की आवश्यकता है। पांच ओवर, 5 विकेट और 43 रन, 18 गेंदों में अब 14 रनों की आवश्यकता है। संदीप भाई आया है गेंदबाजी करने के लिए, जो कि सामने की ओर से गेंदबाजी करेंगे। और ये पहली बॉल के साथ यहाँ पे गेंदबाज ने अच्छा लगाया है, दो फील्डरों के बीच में से ये गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। टीम के होनहार खिलाड़ी यहाँ पे देखो, सोहिल भाई अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 48 पे पहुंचा दिया है टीम का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 48। और इस बार यहाँ पे सिंगल फिर से मिलेगा छठे ओवर में, छठे ओवर की ये गेंद पर यहाँ पे सिंगल मिलने वाला है। 49 टीम का स्कोर है, 49 5 विकेट के नुकसान पर। और ये देखो शानदार तरीके से 50 बनाने का यहाँ पे प्रयास किया था, लेकिन वो पर्याप्त तो नहीं था बल्लेबाज का, और इसी के साथ ये आउट, सागर ने किया है कैच। इस ओवर में खत्म करते हैं या नहीं, 8 रनों की आवश्यकता है, 2 चौके मार के खत्म करते हैं या नहीं, आने वाला पल बताएगा। या गेंदबाज भारी जिस प्रकार से विकेट ली है उस प्रकार से ये आउट करते हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक बॉल फेंकी नहीं जा सकती है। ये तो पूर्वानुमान था। और ये आते ही स्वीप कर दिया है, और ये मिलेगा चौका,
और इसी के साथ 50 50 अप। देखें जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे। तेरा में चार चाहिए, फिर से एक बार स्वीप करने का प्रयास यहाँ पे बल्ले का, बाज का, और स्वीप का यही खतरा होता है अगर आप लाइन चूक गए तो पट गए। और इसी के साथ चौके से शुरुआत तो करी थी लेकिन चौका मारने के प्रयास में यहाँ पे पट गए बल्लेबाज। पर स्कोर में बता दूं 53-7, 6 ओवर की, 12 गेंदों में सिर्फ 4 रन, 12 गेंदों में सिर्फ 4 रन चाहिए जीत के लिए। बार बॉल में 4 रन नहीं आवश्यकता, प्रति ओवर 2 रन चाहिए। बारह में चार, ये पहली बॉल क्या जाती है चार के लिए, और ये चार के साथ यहां पे मैच जीत लिया है ये सीरीज। ए ग्रुप का ये अपना टंडेल 11 का आखिरी मुकाबला था लेकिन जीत के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है। जाते जाते देर कर दी लेकिन जीत अपने नाम कर गए टंडेल 11।